अच्छा अब देखो, बारी काटती रहेगी अपनी शकल और अपने बाल, अपने शरीर में मक्खी का दाग ना जाए। आप सजली सबरली हो तो घर के काम कर लो। दीदी सब काम करके बाद क्या काम कर लिया तुमने? अभी मैं घेर पैसे आ रही हूँ, गोबर पड़ा है ऐसे ही, और भैंस जो है बिल्कुल धूप में बंधी है, अभी झाड़ू तक नहीं लगी है, और ना वो पानी करने वाली बाल्टी धुवी। तू करती क्या घर में ये बता। दीदी घर के काम से फ्री हुई। हाँ घर के, तू ये दिखाना चाह रही है ना कि मैं तुझ पे कितने जुलम और सितम करती हूँ। ज्यादा मत बनियो मेरे सामने, जाके चुपचाप जाओ घर में काम करके आ। जी दीदी ये रखे हूँ। हाँ और सुनो, आज व्रत है मेरा, कुछ अच्छा बना दियो। ठीक है दीदी। हाँ वैसे तो मैं व्रत में कुछ खाती ना हूँ। आलू फ्राई कर दूंगी, दही निकाल दूंगी ना, बर्फी मंगा दे बढ़िया। ठीक है दीदी। और हाँ बढ़िया से दूध रख लियो ने, काम करिया। और आज मेरा व्रत है, आज मैं जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाऊंगी ना, कुछ नहीं खाऊंगी कसम से। जी दीदी। है ना, और मैं कुछ दिनों में जाऊंगी 84 कोर के परकम्मा देने। मैंने ना मन्नत बोली है कि इस घर में खुशहाली रहे, ठीक है, लेकिन तुम रहने दो तब ना। दीदी आप जाके नहा धो लो, पूजा कर लो, मैं आपके लिए आके खाना बना दूंगी। और मैं जाके खाना ना है। हाँ मतलब व्रत का जो भी है, बर्फी मंगा दूंगी और आलू। हाँ जा रही हूँ, पूजा करूंगी अभी, जाके काम करिए जाके। और घर में तो हो गया। हाँ दीदी मेरा कपड़ा साफ कर दिया, बिल्कुल साड़ी भी प्रेस हो गई। दी दीदी ठीक है चल। दीदी आप सुबह ही तो नहाए थे, ये पहनी थी आपने? अरे ना अभी मैं दोबारा नहाऊंगी जाके। अच्छा ये पहन लूंगी, सुबह पहने थे मैंने, नहा लू है ना जाके। दीदी आप सुबह ही तो नहाए थे। अभी मैं आ रही थी ना, कुत्ता छुप के निकल गया साड़ी से, मैं नहाऊंगी। दीदी कुत्ता के छुलने से नहाना? अरे कुत्ता छोड़ो, आदमी छुप के नेक भी कोना भी छुप गया ना, पल्ला पल्ला भी छुप गया ना, उससे टच भी हो गया तो मैं नहाती हूँ। हाँ जी अब तू तो चेंज कर लेना, मुझे पता है मेरी पूजा भंग हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है। हाँ जाके काम करिए जा। दीदी मैं ये रख के आती हूँ। ला हम रख देंगे, हम किस लिए जा रहे हैं? ठीक है। कंगा कहाँ से लाई? इतने महंगे महंगे कंगों से तो केस करते हैं इसके। दीदी दीदी अरे राम दीदी। हाँ मैं ये कह रही थी सॉरी, मैंने आपकी पूजा में बाधा तो डाली। हाँ दीदी तुम और कर ही क्या सकती हो। दीदी मैं ये कह रही थी कि फिर नाना पड़ेगा मुझे। सॉरी सॉरी दीदी, मैं ये कह रही थी कि वो भैंस है ना, दूध नहीं काटने दे रही, वो बैठने ही नहीं दे रही अपने पास। क्यों ना बैठने दे रही? पता नहीं लात मार रही है, उछल उछल के जा रही है, भाग गई वो खूटा पैसे। हे भगवान भाग गई दीदी, खूटा पैसे खुल के भाग गई। अरे भाग कैसे गई, पकड़ के लाओ उसे जा। दीदी वो पता नहीं मुझे तो भाग। तू यहाँ आ गई, तू भी उसके पीछे भागती, उसे पकड़ के लाती। दीदी मुझसे नहीं भागा गया, मैं आप ही के पास आई थी इसीलिए। मुझे उस लड़ुआ के पास जाना पड़ेगा हैं? मैं उसके पास जाना चाह रही, वैसी मेरी लड़ाई हो गई उससे। तू चली जा। दीदी ना ना तू मत जा, तुझसे और नैन मटक्के करेगा वो, जोरों गप सपाड़े मारोगे वहाँ। चला नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं। और दीदी मैं खाना खा लेते आप ना? मैं आज खाना नहीं खाऊंगी पूरे दिन, निर्जला व्रत। आपके लिए बर्फी मंगाई थी वो भी नहीं? वो तो मैंने खा ली। अच्छा, हाँ। अच्छा मंदिर में रखी थी, मिल गई? हाँ मंदिर में रखी। अच्छी और उसमें आम रखे थे वो भी मैंने खा लिए। अच्छा हाँ। क्योंकि आज मेरा व्रत है, मैं ऐसा खाना खाऊंगी जो मेरे शरीर में ही ना लगे। अच्छा निर्जला निर्जला व्रत है। और दीदी उसमें केले रखे थे वो भी खा लिए, 7 केले थे वो मैंने खा लिए। अच्छा हो क्या? नहीं दीदी वो 7 केले आपने, कोई बात नहीं है। और जो मैं भोग लगाया था ना मैंने, वो मैंने खा लिया। तुम और दीदी एक कटोरी में वो रबड़ी नहीं बनाई थी दूध? अरे हाँ बड़ी टेस्टी थी, तूने बड़ा अच्छा किया, वो मैंने खा लिया। आज मेरा निर्जला व्रत है, चक्कर से आ रहे थे मुझे लेकिन अब नहीं आ रहे। अब ऐसा मैं भगवान की भक्ति अच्छे से कर लूंगी। अच्छा और दीदी आके आपको चाय वाय बना? हाँ एक काम करियो, कूटू के आटे की पकौड़ी बना लियो, आलू उबाल लियो, ठीक है ना, और समा के चावल बना लियो। अच्छा जा ठीक है। ज्यादा खाती नहीं हूँ मैं, तू जानती है मेरे को। ठीक है बहुत थोड़ा खाती हूँ मैं, जल्दी चिड़ैया जैसा खाना मेरा, ठीक है ना। चल ठीक है मैं उस रड़ुआ के पास जा रही हूँ। चिड़ैया जैसा खाना, शरीर अब पहाड़ जैसा। इसे और आवाज देनी पड़ेगी, एक तो आज मेरा व्रत है, मैं रड़ुआ से बोलना ना चाह रही, क्या करें काम पड़ रहा तो बोलना पड़ेगा। रड़ुआ नहीं, अरे भैया, अरे कहाँ हो दूधिया? अरे कौनो? अने दूर खड़े। अरे पंडिताई राम राम। राम राम। और का जरूरत पड़ेगी? दूर रहो ना। चो सही है, वो ने घर चलियो। घर घर चलो ने।
चलो क्या काम करो। अरे वो भैंस नहीं मिल रही है, छोटी वाली पे भैंस नहीं मिल रही है, कौन तला मिलती है, किसी से मिल ना रही है, वो दूध ना दे रही है। अच्छा नौ को ना दूध ना दे रही है, मिल रही ना है। हाँ तो मिल ही ना रही वो। अच्छा भैंस दूध ना दे रही, अच्छा दूध ना दे रही है, दूध ना दे रही है। अच्छा तो मैं नौ कह रहा हूँ। हाँ चलो चलो, का कछु परेशानी है? परेशानी है, पास क्यों आ रहे हो, दूर से बात करो ना। अच्छा पड़ेगा मुझे, वैसे तो मैं इतनी पंडतानी बननी हूँ, वैसे हमें घर ले जा रही हो भैंस कटवा के। अरे तुम्हारा काम है भैंस काटने का? तो काम है तो अब जो है तो देखा तो यही आवे तुमने दूर नहीं चलो तो सही। कहाँ चलो? नहीं गिर चलो हमारे। अब ने हम तुमने टच कर देवे नौकर के तो तुम नहावे जाओ। अरे तो नहाऊंगी ना, आज मेरा व्रत हो रहा है। मैं तो कह रही यार तुमसे बात ना करूं, वैसे नौकर मजबूरी थी मेरी जो मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। तो मजबूरी तो सब कर, सब कछु करवा ले। हाँ ये भी बात सही कह रहे हो, मजबूरी ना जाने क्या कैसे लोगों से करना पड़ता है। बादन में भैंस के चुंगावे जा रहा हो, लेग में टच है वो तुमते, तो तुम तुरंत ना आई। और का है? और क्या, आओ तुम नौकरियों के घर चलो, हम ना जा रहे हैं। अरे पूछ रही हूँ चल ले हो ना चल ले हो, फालतू की बात तो करे मत यार। बिल्कुल ना जाएंगे हम, आज मेरा व्रत है। मैं उल्टी सूधी बात कहना चाह रही हूँ। केला खा लो, सेब खा लो, संतरा खा लो, खूब खा के आई हूँ, आज मेरा व्रत है इसलिए कुछ कहना रही हूँ। तो यहाँ काल पचा रही हूँ, हम ना जा रहे। पचा ना रही मैं, मैं तुझे बुलाने आई, तू चल रहा है चल रहा है ये बता। मैं ना जा रहा हूँ। अरे एक काम करियो, एक पाव दूध ले, ज्यादा करो तो फिर 10 रुपए ले लेना। 10 रुपए ले लेना और बेकारी समझ रखो। अच्छा तो बेकारी, तुम लोग एक पाव दूध ले रही हूँ, वो बस 10-10 भैंस, मतलब इतने वो है गए हम तो, तुम तो एक पाव दूध लेंगे किराए पे। किराए पे और का? अरे तो दे तो रही हूँ एक पाव दूध, हमें ना चाहिए। जाओ अपने आप काट लो अपनी भैंस, हमें हम ना काट रहे। एक तो ये रड़ुआ आदमी की शकल देख ली, व्रत भंग हो गया, अब मुझे खाना ही खाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ भंग कर पे काहे को आई हो, दूसरे को खाना भंग हो गया, बन रही हो पंडतानी, जाओ घर अपने। आइयो ये पंडतानी बन के भैंस काट दो, हम के आ रहे हैं तो भैंस काट दो तेज। सारी मुझे बड़ी तेज, अब बाहर भी आ जा, एक तो इसने नाक में दम कर रखा है। जी दीदी। जी दीदी की बच्ची इतनी तगड़ी, गुस्सा आ रही है मुझे। क्यों? अरे उसने दूध यहाँ ने मना कर दिया। क्यों दीदी? मना कर दिया कि मैं ना जा रहा तुम्हारी भैंस वैस काटने। तो वो काट देते तो क्या हो जाता? वो देख ले, काट देते तो मर थोड़ी ना जाता, काट देता तो। मैं व्रत थी इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, आज मैं जाके उसके नाम का नारियल फोड़ के उसे शराब दे के आऊंगी, तगड़ा वाला कीर्तन करूंगी मंदिर में जाके। देख नहीं नहीं दीदी, मेरा खाना बन गया? हाँ दीदी सब तैयार। बस मैं फरार कर लूँ बस 2 मिनट में, ठीक है ना? दी मैं ये कह रही थी कि आप अभी तो गए थे तो आम रखे थे, उसमें 6-7 वो भी खा लिए। अरे तो मैं आई, 7 केले भी खा लिए। अरे मैं रास्ते में आई तो पच गया, खर्च हो गया सारा। अच्छा और क्या, अब हटो मुझे कीर्तन करने जाना है अभी। वो मैं दीदी मैं कह रही थी, बाद में जाऊंगी गोवर्धन। मेरी बात सुनो। हाँ। मैं चली जाऊँ उसके पास, वो मेरे कहने से सारा। अरे तो कुछ भी कर, मेरा खाना बना दिया। हाँ। चल ठीक है, तो मैं उसे एक बार मैं देख आती हूँ, आ जाए तो। तू कैसे चली जाएगी? क्यों दीदी, मैं इसलिए कह रही थी शायद आपने गुस्से में कुछ कह दिया। अरे पागल वो रड़ुआ बड़ुआ आदमी, तू क्यों चली जाएगी? अच्छा ठीक है, कोई जरूरत ना जाने की, चल तू मेरे साथ आ। तो आप खाना खा लो, मैं आपका खाना लगा दी। चला क्या मंदिर मंदिर कराओगी, क्या कराओगी? दूर खड़ा हो, दूर खड़ा हो, बड़ा मत चाहिए मुझसे गलती से भी, बड़ा छोड़ गया ना, वैसे पानी की कमी चल रही है घर में। अच्छा फिर नाना पड़ेगा मुझे। बताओ राम राम, मतलब कि 100 चूहे खा के बिल्ली हजकू चली? हाँ सही कह रहा है, अपने ऊपर जो ले जा रहा है ना। चुप करो, चुप करने का बच्चा आया दादा, बोला कर मुझसे बेचारा पति। सारे रड़ुआ यही मर गए, मतलब इसी गांव के लिए थे। अरे रड़ुआ मर तो गए, पर तुम अपने पति की देखो, मरे भी तो ना है, जिंदे खड़े मेरे सामने। बेचारा पति कोल्ड स्टोर पे भेज दिया, उसकी क्या गत हो रही है? और अरे वो था ही इस लायक, भजन कर रही है वो इस लायक ही था। भगवान नरक में जगह नहीं देगा तुम्हें। अब वो तुम लोगों ने पहले से जो बुक करा रखी है, मैं तो इतना भजन कीर्तन करती हूँ, भगवान ने तो पहले से ही मेरी स्वर्ग में जगह पहले से बुक कर रखी है। एक बात बताऊँ, पति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, समझ में आई? तो तू सिखाएगा, तू सिखाएगा, तू सिखाएगा, तू सिखाएगा। पति वहाँ डाल रखा है, यहाँ रबड़ी मार रही है, तेरे पैसों से मार रही हूँ। कुर्ता खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है, बेकारी हो, खा खा के पड़ रही हो, कुठला हो रही है पूरी, ऐसी होंगी मैं। अरे आज ये समझ ले, कल से और अब तक मेरा निर्जला व्रत है, मैं किसी से कुछ कहना ना चाहता।
कह रही हो? तेरे तो कीड़े पड़ के सड़ सड़ के गल गल के। अरे चुप रहो, ऐसे व्रत में ऐसे अपशब्द मत बोलो। अरे अभी मैंने कहा ही क्या, कुछ कहा ही तो नहीं, शुरू बात करी है मैंने। कुछ कहा ही नहीं है। तुम जैसे जैसे एक बात है कि इस गांव के लिए रह गए सारे रड़ुए, तो अगर तुम्हारे लिए वो हो जाते इस गांव के लिए रह गए। दूर खड़ाओ, चल। क्या दूर खड़ाओ? दूर रहकर ना बड़ा उन्हें झुंझुना से लेके चली जाती बजाती हुई। अरे अभी तो मैं 84 को उसकी परकम्मा लगाने आऊंगी और ना जाने कहाँ कहाँ घूम के आऊंगी। भगवान जी ने कौन कौन रात भगवान ने मुझे सपना दिया था कि जब तक तू यहाँ नहीं आएगी जब तक तेरी पूजा सफल नहीं होगी। वहाँ मत जाना, अशुद्ध हो जाएंगे वहाँ के लोग तुम्हारे जाने से। अच्छा, तुम्हारे पैर पड़े वहाँ तो अशुद्धियाँ हो जाएगी। जब मैं इस गांव में रह रही हूँ ना, तुम लोगों का जीवन चल रहा है, जीवन दो रोटी सही वक्त से मिल रही है खाने के लिए, क्योंकि मेरी पूजा पाठ तुम लोगों भिखारियों को भी लगती है। चुप रहो, ऐसा है बता रहा हूँ। उंगली मत करियो, बता रही हूँ, अगर उंगली करी ना क्या क्या कर लोगी? मैं छुपना ना चाह रही हूँ तुझसे। उंगली मत करियो, डंडा लेके घूमता रहता है फालतू में। सही है, हम लोग घूम रहे हैं, मस्त मौला इंसान है। तुम्हें तुम देखो, कटोरा ले ले, कटोरा और भीख मांग ले। काय को ले ले कटोरा? गुलाब पे बैठ जाके जा। तुमने ले लो कटोरा। मैं काय को ले लू? अरे मेरे पे तो इतना बड़ा कारोबार, मेरा घर है। पति की बिल्कुल बेइज्जत करके डाल दी है यार। गाँव का पूरा माहौल खराब कर दिया है। अरे बुद्धा भैया, अरे बुद्धा भैया, अरे को, अरे बुद्धा भैया, वो हमारी भैंस है ना, मतलब दूध नहीं दे रही और वो खुल के चली गई है, जरा उसे ढूंढ के देख, दूध काढ़ आते आप। सवन की भैंस परेशान है, क्या बात है? सवन की नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास दीदी आई होंगी। दीदी आई होंगी कौन? हाँ, हमारी जिठानी। पंडितानी है का? हाँ हाँ, मैं उन्हीं की देवरानी हूँ। अच्छा, उनकी देवरानी हो तो? जी भैया। तो भैंस दूध ना दे रही? नहीं, वो चली गई है खुल के। खुल के चली गई है? हाँ, वो तो मैं ही देगी जो खुल। मैं काट रही थी, बैटरी देती मुझे। तो पंडितानी है का? तुम्हारी जेठानी है? जी भैया। तुम जी कैसे रही हो घर में? अब वो बड़ी है तो भैया। तो बड़ी है तो इतना बा में रहना चाहिए? तुम हमारी ने एक भैंस को दूध काढ़िया। भैंस तो काढ़ियाऊंगा मैं, तुम आई हो वैसे तो वो तुम्हारी वो आई जेठानी है, वो इतनी पंडितानी बने, वैसे तो हाथ टच ना करन दे में, अगर नेकू हाथ टच है तो नावे लग जाए, और वैसे हम तो नोगेरी का हमारी भैंस काढ़िया। नक चलो भैया जल्दी, चलो तुम आई हो तो फिर कोई बात ना, चलो चलो। कहाँ भैंस, कहाँ है? भैंस बो रही। अच्छा, जवा रही? हाँ हाँ। हाँ तो ठीक है, एक काम करो। हाँ। अब तुम बढ़िया आदमी हो, जा रहे काट दे रूँ ऐसा तुम्हारी। हाँ। एक काम करो, तुम बाल्टी ले आओ। ठीक है भैया। ठीक है, अभी दे रहा हूँ काट के मैं, ले। अरे कांगई। हाँ हाँ, लो दूध लो। अच्छा अच्छा, गाड़ी की भैंस। चलो ये का बताओ, तुम्हारी जेठानी खा खा के इतनी कुठला है रही है, वो भैंस इतनी ठल कर रखी है तुमने, कछु छानी फानी लगा तो ना लगा तो। भैया जैसा होता है वैसा कर देती। अब दूध दूध भैंस देवे कहाँ पे, जब आप खावे को ना मिल लो कछु, ना ना सानी है ना कछु है, बड़ी मुश्किल से भैंस कड़ी है। अच्छा, अब आपको खवाओगे ना का सानी पानी लगाओगे जब तो देगी दूध। ठीक है भैया। ठीक है जाओ। ठीक है, राम राम भैया। राम राम, राम राम। हाय राम, सच्ची में थक गई। मंदिर में हल्ला ज्यादा होता है, भगवान की पूजा कहाँ करते हैं? भगवान पे जल थोड़ी चढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। काय को आते हो पूजा करने? तुम्हारी कोई बाप के मारा है तुम्हारा? आवाज सुन के भी ना आएगी, पी रही होगी अंदर ही अंदर, पता है से कि मैं आ गई हूँ। अरे दीदी आप आ गई? हाँ आ गई। अरे बहुत थक गई आज तो। अच्छा अच्छा, पैरों में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। दीदी ये समझ ले, मंदिर पर इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा। दीदी आप, अरे एक दूसरे के सर में नारियल मार रहे थे बहुत ज्यादा, आप थक गए होंगे। हमारे जमाने में बड़ी सिद्धांत से पूजा होती थी, जब मेरी शादी होके आई थी तब भी मैं भगतानी थी और अब भी मैं भगतानी हूँ। बड़ी उस बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। आज के ज़माने में लौंडियाँ बाल खोल खुल के आ रही है, तेरी जैसी बहू सेल्फी खिल फोटो ले रही हैं फोनों में, लौंडों से बतरा रही हैं, मुझे तो डर लग गया, इसीलिए मैं तुझे मंदिर पे ना ले जाती हूँ, कल को तू भी उन्हें देख के ना बिगड़ जाए। नहीं नहीं, कपड़ा पहन पहन के आ रही हैं, छोटे छोटे पार खुल रहे हैं और ऐसे बड़े अजीब से कपड़ा पैर पैर के आ रही है, छोरा भाज रहे उनके पीछे, मंदिर ना कलंक बना दिया, इसीलिए मैं तुझे ना ले जाती, ऐसे माहौल को देख के तू बिगड़ गई, भाग गई किसी के साथ तो मेरी तो जड़ में से नाक कट जाएगी। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आप फालतू की बातों को छोड़ो,
मैं आपके लिए दूध गर्म कर दे रही हूँ, दूध पी लेना आप। दूध? दूध कहाँ से लाई? दूध कहाँ से नहीं, वो मैंने वो भैया बुला लिए थे। क्या नाम है दूधिया? कौन से भैया? जिनकी डेयरी है रड़ुआ। हाँ, उनसे कड़वा लिया। अरे राम, ये क्या कर लिया तूने? मैं तो उस दूध को पीऊंगी ना, रड़ुआ के हाथ का दूध पीऊंगी मैं, हैं? और तू तो खड़ी खाए को मैं छू लिया तूने मुझे, अब मुझे नहाना पड़ेगा। तू भी निकल इस घर से, हैं? नहीं दीदी। तूने कितना बुरा किया। अरे जब मैंने मना किया तुझसे कि उसके पास जाना नहीं है तुझे, तो क्यों गई तू? ऐसी यारी दोस्ती क्या है उससे जो उसी के पास गई तू दूध कड़वाने? नहीं दीदी। अरे मैं आके मैं खुद काट लेती दीदी, अब मुझे नहाना पड़ेगा। पर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बगैर इजाजत के घर आने की? पकड़, अब छू तो ले आई है, अच्छी तरीके से उसके घर पे सुहांग करके आ रही हूँ। तूने भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। अब ये दीदी कहीं ऐसा ना वो लड़ बैठे उससे, कोई आएगा भी नहीं मदद करने। अरे आजा, बाहर निकल के आ तू, आज मैं तुझे देखूंगी तू कैसे मेरे घर गया दूध काटने। रड़ुए भड़ुए, तुम जैसे ही ना मरे गांव से हमारी छाती पे से। अब किनते कह रही हो रड़ुआ भड़ुआ? ये डंडा मेरे मुंह में कर दे। कौन से कह रही हो? तुझसे कह रही हो रड़ुआ। क्यों? ये बता तू मेरे घर दूध काटने क्यों गया जब तुझसे मैंने मना कर दी तो? दूध काटने? हाँ। और तुम्हारी वो आई दौरानी? दौरानी कौन लगती है तेरी? कौन लगती है? तो लुगाई लगती है मेरी दौरानी। ऐसा उल्टी सीधी बात तो करो मत। उल्टी सीधी बात ना है, ये बता तेरा चक्कर क्या है उससे? मेरा कोई चक्कर ना है। चक्कर ना तो बेटा तू जा ही ना सके बगैर चक्कर के। बगैर चक्कर के तो जा ही ना सके तू, बगैर चक्कर के तो जा ही नहीं सकता। मुझे पता है तुम दोनों की जो गुटरगु चल रही है ना, एक इशारे पे भगा चला गया उसकी तो मैं टांगे पहले बाद में तोड़ूंगी, पहले तुझसे निपट लूं। ऐसा वो मेरे घर आई, मैं ना गया तुम्हारे घर। अच्छा वो आई इतनी बोली, शकल सूरत देख के जा मारे मेरे को तरस आ गया। मैं चलो तुम्हारे तरस नहीं आया बेटा, मैं और ही जानू ऐसे ही पुजारण ना बन गई मैं। बहुत सालों मैंने पूजा करी है भगवान की, इतना ज्ञान मैंने ऐसे ही ना ले लिया। तो ये मैंने कौन सा जाने गुना कर दो? गुना कर दिया? क्यों गया तू घर? मैं गई तुम्हारे घर कल को, मेरे घर मेरे घर कल को तू कोई मेरी दौरानी के साथ ऊंच नीच करिया था, गंदी नजर डालता उस पर, गंदी हरकत करिया था, तो मैं तो गाँव में मुँह दिखाने का काबिल ना रहती। वैसे तुम पंडतानी है, ऐसी बात करने में शर्म नहीं आती? अच्छा, और तू मेरे घर में रड़ुआ आदमी चला गया दूध काटने, तुझे जब शर्म ना आई? अरे तो मैं थोड़ी गई हूँ तुम्हारे घर, वो मेरे घर आई है बुलाने। भले ही बुलाने आई हो तो गया क्यों? तो जब हम आए जब तो तूने फट से ना मना कर दिया। तुम आई? हम आए जब तो मना कर दिया। जाने को मना तो करी नहीं मैंने। तुम ही छाती पर चढ़ के चढ़ती भाई आ रही, ज्यादा पंडतानी बन रही तुम। अच्छा, तो ऐसे इनके भैंस ना काटे हम। अच्छा, हाँ तो फिर भी तो तू ऐसो की भैंस काट के आया। अरे तुम आई बुलावे जब थोड़ी गए हम, तुम्हारी दौरानी आई जब गए। अच्छा, हाँ दौरानी आई इसलिए चला गया, इसलिए उसकी सूरत देखने को मिल गई, और उससे जो तेरी चोंचे जो लड़ रही है ना, उसका आदमी आ गया ना, तन पे कच्चा ना छोड़ेगा, बता रही हूँ। आदमी आ गया? उसका आदमी आ गया मेरे देवर शरीर में से खाल को फाड़ देगा, बता रही हूँ। पंडताई गिरी मत दिखाओ, पंडताई गिरी दिखाऊंगी, ऐसी दिखाऊंगी, डेली दिखाऊंगी, समझ में आ गई ना? आज के बाद अगर मेरी देवरानी से बात करने की कोशिश भी करी ना, तब बता रही हूँ। हम तो तुम्हारे घर जा रहा रोज बात कर, घर ना जा रहे फिर? तो वैसे ही दूध काटने चले गए। आज दूध काटने गए हो, कुछ और करने जाना कल। कौन क्या करने जावे? हाँ? तो जगह जगह आवे फिर भाई भैंस काट दो, वैसे पंडतानी मुझे पता है तू दूधिया कम छिनरा गुंडा ज्यादा है। हाँ, तो मैं तो सब पता है। हाँ, मैं पता हूँ, अभी तो कह रहे हैं दोबारा मत आजी फिर बुलावे। और तू दोबारा अगर मेरी देवरानी के कहने से भी चला गया ना, ऐसा है मैं तो डेली आऊंगा जाऊंगा, तुम मेरा काम तेरी भामरे उसी के साथ पढ़वा दूंगी, उसे तुझे जबरदस्ती रखनी पड़ेगी फिर। हाँ, रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चार भैंस हो रहे हैं, एक और सही बहू। अच्छा, और ऐसे ही ना छोड़ दूंगी बेटा। जी इतनी चारों भैंसों को लेके ना तुझे यहाँ से अलविदा कर दूं दुनिया से। तुम भावर डालने की तो कह रही हो? अरे क्या तेरे साथ, तेरे जैसे के साथ भावर देख ले कितनी जल्दी राजी हो गया। मैंने तो झूठे को कही थी, अब तो तेरा पक्का चक्कर है, अब तो तेरा पक्का चक्कर है उससे। कोई चक्कर ना है, मैं तो तेरे मन की बात लेने के लिए कह रही थी। सबरी गलत बात दिमाग से निकाल दो। अरे जब मैंने ये जब बात जो कही, मैंने कही तेरे मन की लेने के लिए, अब तू पूरी बात हांग गया। अब मैं उस हराम खोर को और देखूंगी जाके। कौन है देखो? गुंडा छिनरा, तू यहीं के लिए धर गया था। देख लीजिए ना, देख लियो, दोबारा मत आना। अरे चला गया यार, अरे जाओ। उसके आदमी को पता पड़ गया ना, तन पे कच्चा तक ना छोड़ेगा। हां देख लूंगा, आज देख लूंगा। व्रत में कुछ कहना ना चाह रही हूं, मंदिर पे से आई हूं मैं, बता रही हूं। ऐसे व्रत रोज तेरे मुंह में ना लठ कर दूंगी। अरे रोज रखूं ऐसे? तेरे मुंह पे ना मुक्का मारूं, चला जा यहां से।
अरे जाओ यहाँ से, आइयो पंडितानी बन के, बदतमीज पंडितानी। अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या कहे, बाहर आ जा आज, तुझे देखूं घर से निकलने की तैयारी कर ले। जी दीदी। जी दीदी की बच्ची ये बता, क्या कर रही थी उस दूधिया के साथ तू? दीदी कुछ भी नहीं, मैं तो क्यों? मैंने उसके मन की बात जान ली, वो तो तुझसे कह रहा था भामरे डाल लूंगा मैं। दीदी ये कैसी बात कर रही? अरे तेरा चक्कर है कोई ना कोई चोंच जो तू लड़ा रही है ना। दीदी मैं तो भैया कहती हूं, पूजा पाठ में ही रह गई। अच्छा भैया कहती हूं मैं तो, सब भैया ही कहते हैं, बाद में तो खसम बनता है, भैया कह गए तो खसम बनाती है। हां तू चल मेरे साथ, घर से निकल मेरे, मैं ना रखूंगी तुझे, तू तो रड़ुओं के साथ मिलके इस घर को बर्बाद कर देगी। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, निकल चल मेरे घर, मुझे घर से मत निकालो। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं अरे 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 निकल जा तू। अरे क्या बात है, क्या कैसे उड़ रहे हो, क्या बात है, समझ नहीं आ रही। उड़ जाए ना, कहाँ ले जा रही पकड़ के? ना कहाँ ले जा रही हूँ, न कहाँ ले जा रही हूँ, इसे घर से निकाल रही हूँ। अरे भाई भगतानिया पता है, पर ऐसे कैसे कर रही हो, क्यों कर रही हो? इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये जो है रड़ुआ से मिली हुई है। कौन रड़ुआ? रड़ुआ से इसने दूध कड़वा लिया। अरे वो रड़ुआ अपना? हाँ। नहीं भैया मैं पता है हमारी भैंस दूध नहीं दे रही थी, तो मैं दूध कड़वाने के लिए लाई थी बस, बुला तो ना दे रही थी। हाँ। तो एक दिन बगैर दूध पिए रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तू अड़ुआ रड़ुआ भड़ुओं को तू यहाँ बुलाएगी? बहनजी के बच्चा तू बहन जी में रही हो, फिर लुगाई बनाने की सोच ली, ऐसा कर लूंगा मैं, सब जानू तुम जैसे बुस्टर्ड नेम को। अच्छा तुम जानती हो, ऐसा है तू हट जा यहाँ से, हट जा, मैं कह रही हूँ हट जा यहाँ से। क्या दिया? हट जा यहाँ से। अरे ए यार एक बात बताओ तुम, सुनो मेरी बात सुनो भक्तानी, तुम्हें नेका जी होनी चाहिए, तुम इतने व्रत रखती हो, अनुष्ठान करती हो, इतना करती हो, तुम्हें फिर भी बोल रहे हो व्रत रखती हूँ, ये भंग तो कर लेती है, भंग कर देती है, कर लेती है। हाँ अब कुछ ना, तो रड़ुओं से दोस्ती हो गई इसकी। अरे चुप करो दीदी, आप मुझे चुप रहे। देखो अब तुम्हारे घर की इज्जत तुम्हारे घर में, अगर तुम इस इज्जत को बाहर उछालोगी तो फिर भुगतना पड़ेगा अंजाम, तो इसलिए मैं तुमसे सच्चा वाचा से कह रहा हूँ लौट जाओ। एक ही शर्त पर रखूंगी इसे। अब कौन सी शर्त आई? मेरे संग गंगा नहा के आनी पड़ेगी इसे, इसे नहा के लाऊंगी मैं। क्यों? शुद्धिकरण होगा इसका। तुम और ये नए नए टंटोले बाजी निकाल। अरे ना रड़ुओं से छुप गई, घर में घर का सत्यानाश थोड़ी करवाना मुझे। अब चल मेरे साथ, यही गंगा पार थोड़ी सी दूर है और मैं भी नहा के आऊंगी। हाँ? इससे मैं छुल गई, वो ये वो उससे छुल गई, कोई बात नहीं। बहन जी क्या गा रहा है, कोई यार गंगा डुबकी लगाएंगे इनकी दिमाग की बूम जाएगी। मैं गंगा जी नहा लूंगी बस दीदी मुझे। और आज के बाद रड़ुआ से छुबी ना दीदी, मैं किसी से नहीं छुलूंगी। अरे अब तो तुम जरा भगतानी हो। छुबी हूँ ये भी रड़ुआ ही है, मैं छुबी हूँ ठीक है ना। चलो तुम्हारे तो हमने कोई काम कर ही निकाले ही ना कभी। घर अपने गंगा नहा के लाऊंगी पहले। अभी जा रही हो? अभी तुरंत चार दूना यही पास में। घर मकान खुला हो तुम्हारा, शर्म करवा लगाया किसी की इतनी। तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर मकान खुला छोड़ के आई हूँ? और पहली बात किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे घर की तरफ आंख उठा के देखे, उससे पहले फोड़ ना दूं मैं। फोड़ दो भी? और क्या, उसके अंग के चारों धाम आ जा। ऐसे रड़ुआ फड़ुआ अंदर छुपती डोलेगी। अरे कहाँ है वो, कहाँ ले जा रही है? तू फिर आ गया, तू फिर आ गया, कहाँ ले जा रही हो, कहाँ बैठेगी? गंगा जी नहाने ले जा रही हूँ। क्यों? तुझसे जो छुप गई है और मैं इससे छुप गई, मैं भी नहाऊंगी इसे भी नहा के लाऊंगी। तो मेरे में कौन सा काम है? अरे यार तू रड़ुआ आदमी, शराब लगा हुआ तुझ में। तो घर पे पानी कम पड़ो, घर ही नहा लो। गंगा गंगा स्नान कराऊंगी, शुद्धिकरण होगा इसका, वहाँ पूजा भी करा के लानी है मुझे। ऐसे तो कहूँ गोबर गोबर डार में जावे, वहाँ कुछ भी कर ले, लेकिन रड़ुआ से अगर छुप गई तो मेरे घर का सत्यानाश। तो मुंह में कौन से सांप लटक रहे हैं, तो नवाब जा रही हो? सांप? हाँ तुझ में तो ऐसा बड़ा सांप लटक रहा है, चल ली है? और उसी सांप से डर लगता है मुझे, चल। अरे बड़े अजीब पता नहीं है भाई, बताओ नए वाक पे गंगा जी नहावे जा रही है। अरे बेटा बेटा काम नहीं। पिताजी पिताजी नमस्ते, नमस्ते। पिताजी आप बहुत दिनों में आए हो। हाँ? पिताजी आपने 3 महीने से शादी के बाद देखा भी नहीं, पलट के आपकी बेटी। नहीं नहीं बेटा तेरी याद आ रही थी तो मैं देख तुरंत दौड़ा चला आया हूँ। देख आपको देख रोज रोज बेटी के घर भी तो आना अच्छा नहीं लगता ना। पिताजी वो सब ठीक है लेकिन अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। हाँ पिताजी। तुझे इस घर में नहीं रहना? नहीं पिताजी। क्या बात हो गई बेटा? बात ये हो गई, हमारी जेठानी है ना। हाँ? मतलब किसी भी चीज से जरा भी टच हो जाओ तो तुरंत नहलाती है। बेटा कोई बात नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है। देख तेरी भी जेठानी, मैंने इसीलिए इस घर में तुझे करा था कि तेरी जेठानी थोड़ी क्या कहती है पूजा पत्री वाली है। मुझे पता थी कि जहाँ जिस घर में पूजा पत्री। पिताजी जरा जरा सी बात पर शक करती है बिना बात के। शक करती है?
कैसा शक करती है? ऐसा कि किसी से बात भी कर लो तो कह दिए उससे सेटिंग चल रही है। अरे नहीं नहीं, ये सब बेकार की बात है बेटा, मैं तो तेरे पास काम से आया था खुद ही। अच्छा अच्छा, तुझे पता है क्या हुआ? चंद्रवती मर गई। अच्छा, चंद्रवती हमारी बकरी वो मर गई। कैसे? 3 दिन हो गए ये समझ लेना, तो मुझे रोटी अच्छी लग रही है ना, पानी अच्छा लग रहा है। वो बेचारी क्या कहते हैं, अब वो ब्याहने वाली थी और ब्याहते ब्याहते क्या कहते हैं मर गई। चलो पिताजी, तो आपने कुछ खाया भी नहीं होगा? मैंने तो कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके मेमने को खिला के आ रहा हूँ। मेमना हुआ है। अच्छा, रामदेव नाम रखा है मैंने इसी चक्कर में। अच्छा, ये समझ ले इतना दिमाग खराब है कि बस तुझे बता नहीं सकता। बकरी क्या कहते हैं मर गई और इधर भैंस दूध नहीं दे रही। दोनों भैंसों ने इतना दिमाग खराब कर रखा कि दोनों भैंस दूध नहीं दे रही, ना न्यार खा रही ना क्यार खा रही, और ये समझ ले खेत भी बेकार है इस समय। तो आपने कुछ खाया नहीं होगा ना? ना तो आप आ जाओ अंदर, दूध पूत पी लो और खीर बनाइए। मैंने बेटा मैं भूख भी लग रही है ना, खाना खा लेना। पिताजी आप बैठिए। पिताजी मैंने खीर बनाई है, पूरी कचौड़ी बनाई है। तो बढ़िया किया, तो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। लिया लिया बेटा, लिया लिया। ये लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए बर्तन ले आऊं पिताजी? कोई ना ना, कोई जरूरत नहीं, बर्तनों का क्या होगा, ये बर्तन नहीं है बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें पूरी होगी, कचौड़ी भी आलू की, कोई बात नहीं। तो पिताजी मैं थोड़े से कपड़े धोए थे, उन्हें सुखाया हूँ निकाल के बालकोनी में, और आप जब तक खाओ तो खा लेना, जितना भी और बचेगा तो मुझे दे देना, मैं किचन में रख दूंगी। मैं देख लूंगा अपने आप। ओहो पूरी कचौड़ी, आनंद आ गए, खा लूं पहले, बाद में देखूंगा क्या करना है, मेरा खत्म करो पहले। पिताजी खा लिया आपने? हाँ बेटा मैंने। तो मैं ये किचन में रखे हूँ खाना, अब इसमें क्या है? कुछ खाना नहीं है ना, खत्म हो गया पिताजी। बेटा इसमें था ही कितनी? अच्छा अच्छा, 30-40 तो पूरी थी बस। अच्छा, और 10-15 कचौड़ी थी, और क्या कहते हैं ये खीर के भगोना था आधा सा, तो मैंने खत्म कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं है पिताजी, आपने खा लिया तो सब है। तो, इसे रख के, और थोड़ा 2 मिनट है मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ठीक है पिताजी। हाँ पिताजी, और कुछ पिताजी? भूखे भूखे तो ना, अब तो पेट भर गया बेटा। मैं एक बात थी। हाँ बताओ। मैं तेरे पास बहुत जरूरी काम से आया था। हाँ, मैं आना तो नहीं चाहता था। नहीं नहीं पिताजी बताओ। देख बहुत ये समझ ले कि बहुत परेशानी के दिन आ गए। अच्छा। समझ ले 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया हूँ। अच्छा, अच्छा। तो ये क्या बताऊँ, काम धंधा चौपट होने से और बकरी मरने से और भैंसों को नुकसान होने से ये समझ ले बिल्कुल परेशानी के दिन बुरी तरह आ गए। तो बताओ पिताजी मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा तू, मैं चाहता तो नहीं हूँ, मैं तुझसे कैसे कहूँ, किस मुँह से कहूँ कि मैं आया इतने दिनों बाद और वो भी परेशानी लेके आया, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। देख मुझे है ना कुछ पैसों की जरूरत है। अब पिताजी तुम्हें तो पता ही है, मेरी जिठानी तो कुंकार की तरह बैठी रहती है, कब मारे। देख तू, दामाद जी तो तुझे महीने के महीने पैसे भेजते हैं। वो मुझे नहीं देते, जिठानी जी को ही देते हैं। कुछ कोर्चा तो करती होगी। जब वो पैसे नहीं देते तो कोर्चा कहाँ से करूंगी। लेकिन हाँ, दीदी मुझे पैसे रखने के लिए बताती है, वहाँ पे उन दीदी के पैसे रखे हैं। हाँ तो उन्हीं में से दे दे, ज्यादा नहीं, बस 10,000 की व्यवस्था कर दे, और मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा 8 दिन में लौट के वापस पड़ जाऊंगा। दे दूंगे ना वापस? हाँ बेफिक्र रहे, तो ठीक है, आगे का नरक में जाना है मुझे। तो ठीक है, मैं दीदी के पैसे दे दूंगी, उन्हें पता नहीं चलेगा। हाँ तू बस खाली 8-10 दिन के लिए दे दे, मैं तुझे यूँ समझ ले आज का, आज क्या दिन है, आज है तेरा शनिवार, और यूँ समझ ले अगले जो अब इतवार आएगा ना, इतवार को मैं तुझे पैसे दे जाऊंगा लौटा के। ठीक है ठीक है पिताजी, उससे पहले ही दे जाना, और पहले दीदी को पता ना चले। ऐसा है, मैं मालूम क्यों ले जा रहा हूँ पैसे, थोड़ा मैं भैंसों को दिखा दूंगा दोनों को, 1,000-2,000 रुपए डॉक्टर के लिए चाहिए, और ये तो 6-7 हज़ार रुपए की बकरियां ले आऊंगा छोटी सी। ठीक है, तो उससे उसके सहारे वो बेचारा मेमना पल जाएगा, नहीं तो मेमना मर लेगा, ये मान ले। ठीक है पिताजी। पिताजी पर एक बात है पिताजी। बता। मैं आपको पैसे दे दे रही हूँ दीदी के पैसे, पर आप किसी को बताना मत। अरे दीदी के आने से पहले चले। अरे मैं तुरंत निकल रहा हूँ, तू पैसे तो दे। हाँ कोई तुम्हें देख ना पाए। अरे बेफिक्र रह, किसी से रास्ते में भी मत। अरे गायब हो जाऊंगा, क्यों चिंता कर रही है, रास्ते में भी जिक्र मत। अरे मैं क्यों जिक्र करने लग गया किसी से, पिताजी सही है, ये बढ़िया जुगाड़ बन गई। ये लो पिताजी, ये 10,000 रुपए हैं सीधे। गिन के लाइए, ये पूरी गड्डी है। मैं यही रख ले रहा हूँ, मैं गिन नहीं रहा, मैं फालतू में देख, देर हो जाएगी, गिनने में टाइम लगेगा, वो ऐसा है तो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, और देख कुछ भी और तू परेशान हो, कोई बात हो तो मुझे बता दियो, फोन कर लियो। ठीक है, पर आराम से जल्दी जाना पिताजी। ना मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते पिताजी। ठीक है बेटा, खुश रहियो।